some more ओफो क्या हो रहा है आज मेरी क्लास में कुछ सही सा नहीं हो रहा है बच्चों कौन था क्या आप लोगों ने मेरी सिंगिंग विंगिंग सुन ली क्या सब आ? अरे सही है कि ब्राइटनेस वगैरह थोड़ा सा पता नहीं प्रॉब्लम से चल रहा था मैं ठीक कर रही थी उसी को ओके गुड इवनिंग एवरी वन इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स आप सभी का फ्यूचर टाइम्स के एप्लीकेशन और यूट्यूब बहुत बहुत स्वागत है अच्छा तो आज इसका मतलब आप लोगों ने मेरी वो सिंगिंग वाली जो मेरे अंदर एक जो छिपा हुआ टैलेंट है वो भी सुन लिया ना आपने मुझे मालूम नहीं था कि मेरा माइक कौन है लेकिन कोई बात नहीं आइए फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास गुड इवनिंग एवरी वन एंड वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स बहुत बहुत स्वागत है आपका एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पे आज जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वाइटमिन का मैं थ्योरी के साथ आपको प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ लेकिन थ्योरी में रिविजन के फॉर्म में करवाने वाली हूँ क्योंकि अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है तो हम ऐसे 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 करके फटाक 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 रिविजन के फॉर्म में हम पढ़ने वाले हैं राइट हो सकता है क्लास आज थोड़ी लंबी हो तो पेशेंस रखिएगा बढ़िया तरीके से आई एफ स्टार्ट करते हैं बिना किसी भी तरीके का टाइम वेस्ट किए हुए वे, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगा और शायद इतना तो शायद आपको क्लियर हो रखा होगा थोड़ा सा ना स्टूडियो की ना सेटिंग्स गड़बड़ हो रखी है मुझे टेक्निकल टीम को बुलाना पड़ेगा बस ये देख लो कि क्वेश्चन ढंग से दिख रहे हैं ना मुझे बाकी मुझे कोई इतना मतलब नहीं है सही दिख रहे हैं ना हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बाकी चलेगा बाकी सब चलेगा एडजस्ट हो जाएगा आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास बिना किसी तरीके का टाइम वेस्ट किए हुए और सबसे पहले तो ये अपना वीडियो को लाइक वगैरह शेयर वगैरह सब आप कर दिए अगर ना मेरे ये आप लोगों पे छोड़ रखा है मैंने स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर का नाम है है ना कैसे क्वेश्चन आते हैं सारी बात थ्योरी के साथ मैं आपको पढ़ाने वाली हूं ये विटामिन वाला चैप्टर लेकिन थ्योरी कंप्लीट तरीके से नहीं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है सिर्फ वही वाला पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी है ना जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है सिर्फ वही पार्ट आपको पढ़ा के और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी ताकि आपको हाथ मत मालूम भी चल जाए कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं है ना जब बात करते वाइटामिन होता क्या है और मेरी जो बुक है डी ऑफ साइंस जो आप बोल रहे हैं वो बहुत जल्दी आने वाली है उसी पर काम चल रहा है आ जाएगी बहुत जल्दी किताब आएगी देखो मैं जल्दबाजी में किताब नहीं लेना चाहती मुझे एक ऐसी किताब लानी है जो जीवन में अगले फिर बीस पच्चीस साल तक आपको कोई साइंस की किताब से प्रैक्टिस करनी ना पड़े इसलिए ना जब स्टार्ट करते हैं हम कि विटामिन के बारे में अगर विटामिन में बोलूं तो आपके दिमाग में क्या इमेज आता है सबसे पहले मैंने बोला विटामिन पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में क्या आया शायद आपके दिमाग में ऐसे घूमने लग गया होगा विटामिन ए डी ई के गाजर में विटामिन ए e होता है ऐसे से कुछ आपके दिमाग में थोड़ा सा आने गए होंगे आने भी चाहिए लेकिन कुछ चीजें वो आनी चाहिए जो एग्जाम में आती हैं है ना जो एग्जाम में आती हैं वो आनी चाहिए आपके दिमाग में जब वाइटमिन की बात करते हैं वाइटमिन होती क्या है सुनिए वाइटा का मतलब क्या होता है वाइटा का मतलब यहां पर, यहां पर पर मतलब है सेल्स है ना मतलब जिसको बोलते हैं ना बायोलॉजिकल से रिलेटेड जैविक से रिलेटेड एमाइन का मतलब होता है एमिन का मतलब एमाइन ग्रुप ये सब छोड़ो इतना आपको नहीं याद रखना है आप ये सुनो वाइटामिन हमारे बॉडी में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हम बाहर से खाते हैं लेकिन एकाधा विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर भी बन सकता है तो वाइटामिन क्या होती है सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं वाइटामिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कैसे कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मतलब आप बोलोगे कार्बनिक यौगिक होते हैं और ये जो वाइटाम्स है कार्बनिक यौगिक होते हैं और ये जो विटामिन होते हैं ना ये क्या करते हैं कैसे लेते हो आप इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं विटामिन आप अपनी डाइट में भी रखते हो बिल्कुल रखते हो मैं रिवीजन करवा रही हूँ उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करना है ना ये नहीं है कि बहुत ब्राइटनेस थोड़ा टेक्निकल टीम कम कर दो वैसे तो कमी है ब्राइटनेस कोई दिक्कत नहीं है सही चल रहा है सही है ना क्लियर नहीं दिख रहा है क्या बोर्ड चलो एक बार रुक जाइए मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं इसको अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो सही कह रहे हैं बच्चे आज तो पता नहीं इतना सारा सिस्टम में गड़बड़ी हो रखी है अरे यार अब तो बिल्कुल नहीं दिख रहा तुम लोग यार बच्चों तो मैं तुम्हारी बातों में आ जाती हूँ और फिर मैं सारा सिस्टम अपने आप सेट करने की कोशिश करती हूँ और वो फिर गड़बड़ हो जाती है सही तो दिख रहा था यार तुम लोग ना हम्म सही दिख रहा है

रुक जाओ भाई कुछ ठीक नहीं है आज तो सारा मामला ही गड़बड़ा गया इतनी अच्छे मूड से मैं पढ़ाने आई थी लेकिन आज सारा मूड खराब हो गया आज मैंने सोचा था अरे हो जा यार कब होगा आज मेरी क्लास पूरी डिस्टर्ब हो गई है पूरे तरीके से हम्म चलो यार बच्चों आप जैसा है आप एडजस्ट कर लो यार मेरा पढ़ाने का इतना अच्छा खासा मूड है पता नहीं क्या हो गया आज इसको कैमरे वैमरे को भी कितनी अब तो तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं तो तुम्हारे बगल में कड़ियों होकर पढ़ा रही हूँ कुछ तो गड़बड़ होगी इस कैमरे के अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा है ओ क्या हो चुका है डन अब ठीक है चलो आ जाओ आप अब पढ़ाई भी ध्यान देते हैं अपन बाद में देखेंगे जैसा है वैसा काम चलाओ ठीक है तो वाइटामिन क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और जब बात करते हैं वाइटामिन की तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए बस यार बहुत हो गया दस बारह मिनट वैसे ही खराब हो गया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की मतलब इसके अंदर कार्बन होता है आपने पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है है ना जिसके अंदर कार्बन हो तो विटामिंस के अंदर भी कार्बन होता है इस बात को याद रखिएगा और दूसरा पॉइंट जब बात करते हैं विटामिंस की तो विटामिंस हम हमेशा माइक्रो की फॉर्म में लेते हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं माइक्रो का मतलब होता है ये हम कम खाते हैं मतलब हम ना इनको मिलीग्राम में ऐसे बहुत कम ट्रेस अमाउंट में लेते हैं ट्रेस का मतलब होता है जो बहुत कम मात्रा में लिए जाए जैसे आप कार्बोहाइड्रेट हो गया प्रोटीन हो गया फैट हो गया ये एक दिन में आप ग्राम्स में खाते हो कोई 90 ग्राम्स खाते हो कोई वन फिफ्टी ग्राम्स खाते हो ऐसे खाते हो लेकिन ये क्या होता है बच्चा ये आप अमाउंट में खाते हो, कम खाते हो, हो। कम जब की बिल्कुल तो बनती, बनती हैं, तो पहला हम क्वेश्चन के फॉर्म में रिविजन करने वाले यहाँ पर यह सब नहीं कि उठपटांग चीजें पढ़ने वाले सिर्फ जो एग्जाम में आएंगे कौन सी वाइटामिन आपके बॉडी में बन सकती है सबसे पहला अगर आपको दिखा विटामिन डी ऑप्शन में तुरंत भाग के एकदम टिक कर देना विटामिन डी के ऊपर विटामिन डी बिल्कुल बनता है हमारे बॉडी में कहां बनता है अगर आपसे पूछ ले तो हमारी स्किन में हमारी त्वचा में बनता है विटामिन डी बॉडी में सकता है? बिल्कुल सकता है। लेकिन ऑप्शन में अगर डी हुआ तो सबसे पहले डी के ऊपर अटैक करना डी को आप आंसर से ही कर देना लेकिन डी के साथ और क्या हो सकता है एक हो सकता है विटामिन के कौन सा विटामिन विटामिन के और एक हो सकता है विटामिन बी बारह कौन सा बच्चा विटामिन बी विटामिन ट्वेल्व तो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में बनते हैं ये हमारी बड़ी आंतों में बनते हैं कहां बनते हैं बच्चा हमारी बड़ी आंत होती है एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है लेकिन कहां बनता है पॉइंट क्लियर क्वेश्चन के फॉर्म में करवाऊंगी सिर्फ रिवीजन ऐसे ही होता है ठीक है रिवीजन ऐसा ही होता है अगर आपने छोरी बैच पढ़ाओगे तो वहां पे मैं इतना स्पीड में कभी नहीं पढ़ाती हूँ तो हमारे बॉडी में बन गई बाकी की विटामिन आप कहां से लेते हो आप डाइट में आप खाना जो खाते हो आप जो भोजन ग्रहण करते हो आप जो न्यूट्रिएंट लेते हो उनसे बा, आप बाकी का वाइटामिन खाते हो तो आप विटामिन के लिए आप क्या क्या खाओगे वही तो आपको पढ़ना है है ना वही तो आपको पढ़ना है कि वाइटामिन के लिए क्या क्या आपको खाना चाहिए जिससे आपको वाइटामिन मिलेगा जब बात करते हैं इन वाइटामिन की इन वाइटामिन को आप कितना ही खा लो हम क्यों खाते हैं अगर मैं आपसे पूछूं तो वाइटामिन से कोई भी एनर्जी आपको नहीं बनता है ऊर्जा इनसे नहीं मिलेगी अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक विटामिन आप जैसे विटामिन डी खा रहे हो तो उससे कितनी एनर्जी मिलेगी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है आप बताना विटामिन से कोई एनर्जी नहीं मिलती है हो गया हो गया मच्छरना मत मच्छरना मत हो गया ठीक है विटामिन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा मैं विटामिन से एनर्जी क्यों नहीं मिलती मैं इतना दूध पीता हूं मैं इतना सोयाबीन खाता हूं या मैं कोई इतना अंडा खाता हूं क्या? मतलब ये विटामिन खाता हूं मैं इनसे कोई एनर्जी नहीं मिलती नहीं बच्चा विटामिन से आपको कोई एनर्जी नहीं, नहीं मिल सकती क्यों नहीं मिल सकती क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन का मेटाबोलिज्म नहीं होता क्या नहीं होता मेटाबोलिज्म नहीं होता चापचे नहीं होता और एक बात याद रखिएगा जिस चीज का आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं होता उससे एनर्जी नहीं मिलती जैसे आप पानी कितना ही पी लो पानी का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है पानी में एनर्जी नहीं होती है जैसे आप कैल्शियम कैल्सियमस मैग्नीशियम कितना ही खा लो जैसे आप विटामिन कितनी ही खा लो उनके अंदर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो अगर कोई आपसे पूछ लेके विटामिन से एनर्जी मिलती है नहीं, नहीं मिलती क्यों नहीं मिलती क्योंकि इनका क्या नहीं होता है इनका मेटाबोलिज्म नहीं होता और जिस चीज का मेटाबोलिज्म नहीं होता उसका आपके बॉडी में कभी भी एनर्जी नहीं मिलेगी अब आप कहोगे मैम फिर विटामिन क्यों खाने चाहिए विटामिन हमें बीमारियों से बचाने का काम करते हैं विटामिन हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनको बैलेंस करने का काम करते हैं क्या करते हैं विटामिन हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जिसको संतुलित करने का काम करते हैं और अगर आप विटामिन नहीं खाओगे तो वो केमिकल रिएक्शंस इम्बैलेंस हो जाएंगी और इम्बेलेंस होने से आपको क्या हो जाएंगी बहुत सारी डिजीजेस बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी तो अगर कोई आपसे पूछे कि आप विटामिन क्यों खाते हो आप कहना बीमारियों से बचने के लिए जैसे अगर विटामिन ए नहीं खाओगे तो आपको रतौंदी हो जाएगा और भी बहुत सारी बीमारियां जो आज पढ़ाने वाली हूं आपको सारी ठीक है तो याद रखिएगा विटामिन से कोई एनर्जी किसी टाइप की नहीं मिलती है जब बात करते हैं विटामिन की विटामिन होती कितने टाइप की हैं? दो टाइप की विटामिन है यहां से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में दो टाइप की विटामिन होती है हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं एक होती है ऐसी विटामिन जो फैट में सोल्यूबल हो जो वसा में घुलते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जाएंगी और जाकर किसको ढूंढेंगी फैट को ढूंढेंगी और फैट जहां मिल गया वहीं पर जाकर वो डिजोल्व हो जाती हैं वहां पर जाकर वो स्टोर हो जाती हैं या उसमें जाके घुल जाती हैं दूसरी होती है बच्चा ऐसे वाइटामिन जो वॉटर सोलिबल होती हैं जो पानी में घुल जाती हैं आप जानते हैं हमारे बॉडी के अंदर अप्रोक्स सत्तर से सेवनटी फाइव परसेंट पानी पानी है तो उस पानी के अंदर क्या घुल जाती है हमारी वाइटामिन घुल जाती है तो हमारे बॉडी में दो तरीके से जाके वाइटामिन घुल जाएंगी या तो ये पानी में घुलेंगे या ये फैट में घुलेंगी अब फैट में घुलने वाली कौन कौन सी होती हैं तो फैट में घुलने वाली होती है एक विटामिन ए एक डी एक ई e, एक के ये विटामिन होती हैं जो फैट में घुलती हैं बच्चा इसको याद करता है कीड़ा नाम से अब इसमें क्या ट्रिक है कीड़ा से याद कर सकते हो के ई डी ए ये फैट में घुलती हैं और जो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं ये पानी में घुलते हैं ये किसके अंदर ये हमारे शरीर के अंदर जाके पानी में घुलते हैं पॉइंट क्लियर है अब मैं आपको एक बात ये बताना चाहती हूँ कि जो विटामिन फैट में घुलता है वो हमारे बॉडी में हमेशा स्टोर होता है वो क्या होता है स्टोर होता है उसका संग्रहण हो सकता है क्योंकि हमारे बॉडी में एक टिश्यूज होते हैं जिनको एडिपोज टिश्यू कहते हैं जहां पे फैट स्टोर रहता है जिनको वसी उत्तक कहते हैं और उसी के अंदर फैट जाके आपका विटामिन जाके स्टोर हो सकते हैं पॉइंट क्लियर है मैंने क्या कहा मैंने कहा कि जो विटामिन फैट में घुलती हैं वो स्टोर हो जाती हैं और मेनली कहां होती हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सबसे ज्यादा विटामिन कहां स्टोर होती हैं तो आप कहेंगे वो हमारे लीवर में हमारे यकृत में होती है सबसे ज्यादा इसका मतलब बाकी कहीं भी हो रही होंगी बिल्कुल हो रही होंगी लेकिन सबसे ज्यादा कहां स्टोर होती है लीवर के पास अब बात करते हैं जो पानी वाली विटामिन है आप ये बताओ कि एक दिन में अगर आपने पांच गिलास पानी पिया है तो क्या पांच का पांच गिलास आप यूरिन पेशाब की फॉर्म में बाहर निकाल देते हो भाई पानी से पेशाब बनता है सब जानते हैं ये कोई नई बात थोड़ी है लेकिन जितना पानी पीते हैं उतने पानी का तो पेशाब नहीं बनता है कुछ पानी जो आपको जरूरी होता है वो आपके बॉडी में रहता है आपकी सेल्स आपके टिश्यूज के पास रहता है लेकिन बच्चा बहुत सारा पानी आप यूरिन यानी कि मूत्र या पेशाब के फॉर्म में बाहर निकाल देते हो और जब आपने पानी को पेशाब की फॉर्म में बाहर निकाल दिया है तो भाई उस पानी में दो विटा विटामिन भी तो घुली हुई थी वो विटामिन भी तो चली गई होंगी बिल्कुल चली गई होंगी विटामिन बी और सी है वो यूरिन की फॉर्म में वो पेशाब की फॉर्म में आपके बॉडी से बाहर चली जाती हैं इसीलिए इसीलिए जनरली हमारे बॉडी में कौन सी विटामिन की कमी रहती है बी और सी की कमी रहती है है ना इसीलिए आपके शरीर के अंदर ये इनकी कमी बहुत रेयरली होगी इनकी कमी बहुत ही ज्यादा तरीके से इंसानों में देखी जाती है क्योंकि वो पेशाब के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं अब अगर क्वेश्चन है? है, है? है ये चार है ये दो है अरे नहीं उल्लुओं ये जो विटामिन बी होता है ना ये कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है ये क्या होता है ये कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है जटिल होता है इसके आगे सब टाइप्स होते हैं, जैसे विटामिन बी वन होता है बी टू होता है बी थ्री होता है बी फोर नहीं होता है बी फाइव होता है बी सिक्स होता है बी सेवन होता है बी एट नहीं होता है बी नाइन होता है बी इलेवन और टेन नहीं होते, है बी ट्वेल्व होता है

लिखा ना अब मैं अगर पूछूं विटामिन डी किसके लिए अच्छा होता है लिखते जाए क्या साथ में विटामिन ए हमारी आईज के लिए आंखों के लिए हमारे विजन के लिए आंखों का काम तो एक ही है ना है ना आंखों का देखना तो विजन के लिए आपकी दृष्टि के लिए अच्छी है और जो विटामिन डी की बात करते हैं यह हमारी हड्डियों के लिए हड्डियों को मजबूत बनाती है कठोर बनाती है हड्डियां मजबूत ही होनी चाहिए कठोर ही होनी चाहिए नहीं तो कोई थोड़ा सा चांटा मारेगा हड्डी टूट जाएगी है ना तो हड्डियां मजबूत और कठोर होनी चाहिए बिल्कुल चाहिए साथ में हमारे दांतों के लिए भी अच्छी होती है किसके लिए हमारे दांतों के लिए दांत भी तो कैल्शियम के बने होते हैं जहां जहां कैल्शियम है उसके लिए विटामिन डी अच्छा mm. है और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये कुछ हमारे जॉइंट्स जो होते हैं ना हाथ का जॉइंट पाओ का जॉइंट जिसको आप संधियां कहते हैं इनके लिए अच्छी होती है तो विटामिन डी किसके लिए अच्छी है हमारे दांतों के लिए हमारी हड्डियों के लिए हमारे जो ये जोड़ है ना जोड़े जॉइंट्स इनके लिए अच्छी है ठीक है हो गई बात खत्म आ जाओ अब बात करते हैं विटामिन ए और डी के बारे में दोनों को कंपेयर करके पढ़ लेते हैं साथ में पढ़ लेते हैं दोनों तो हो जाएगा ना। थोड़ा फास्ट पढ़ना है ना इतना टाइम नहीं है ना अपने पास जब बात करते हैं विटामिन ए देखो बच्चा ये तो आप आम भाषा में विटामिन ए डी ई के बोल रहे हो इनके कुछ केमिकल हैं इनके रासायनिक नाम होते हैं जिनसे इनकी पहचान होती है जैसे आपकी पहचान आपके कर्मों से होगी आपके कामों से होगी ठीक ऐसे ही ये काम करती हैं और इसके हिसाब से इनके केमिकल नेम पड़े हुए हैं जैसे बात करती हूँ विटामिन ए को केमिकली किस नाम से जानते हो तो आप इसको रेटिनोल के नाम से जानते हो किसके नाम से जानते हो आप इसको रेटिनोल के नाम से जानते हो तो अगर आपसे पूछ लिया कि रेटिनोल किस विटामिन को कहा जाता है तो आप क्या बताएंगे विटामिन ए को कहा जाता है ठीक है मैम अगर आपसे पूछ ले विटामिन डी विटामिन डी कैल्शियम क्या करता है हड्डियों को मजबूत बनाता है दांतों को मजबूत बनाता है ठीक वैसे वैसे विटामिन डी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है तो कैल्सिफेरॉल क्या कैल्सिफेरॉल इसका केमिकल नेम होता है ठीक है भाई क्वेश्चन बन गया हमने मैम इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसान है हम कर देंगे लेकिन इतना आसान अगर पेपर आता तो फिर मैं यहाँ पे क्यों रात को आपको इतनी मेहनत करके पढ़ा रही होती है ना अब बात करते हैं वाइटामिन ए के लिए क्या खाएं मैम क्या सोर्सेस हैं तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बता रही हूँ इसके लिए सोर्सेस क्या है स्रोत क्या है जो भी आप सब्जी फल फ्रूट किस कलर का खा रहे हो येल्लो कलर का खा रहे हो पीले कलर का खा रहे हो या आप खा रहे हो नारंगी रंग का नारंगी इन द सेंस की जैसे गाजर वगैरह आती है ऑरेंज कलर का ऐसे मान लो है ना संतरा या नारंगी कलर का कुछ खा रहे हो आप है ना और यह आप खा रहे हो ग्रीन कलर का हरे रंग का उन सब के अंदर विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है अब पीले रंग रंग के लिए पपीता खाया 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 पपीते में होता है, आम खाया, आम में होता होता है है आम आम आपने आपने अगर हरे रंग का जैसे आपने पालक खाया पुदीना खाया धनिया खाया मेथी खाया हरा सब्जी का साग खाया छने का साग इसका साग उसका साग फलाना साग सब सारे साग आपने खाए है ना आपने गाजर खाई इन सब के अंदर क्या मिलेगा विटामिन ए मिलेगा ये सारे प्लांट प्रोडक्ट है ये प्लांट से मिलते हैं एनिमल प्रोडक्ट की बात करूं तो दूध दूध का मतलब आपका मिल्क दूध और दूध से बनी हुई जितनी भी चीजें होती हैं उन सब में विटामिन ए पाया जाता है बिल्कुल पाया जाता है ठीक है अब मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं दूध के बारे में दूध के अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता है ना बाकी ऑलमोस्ट सारे विटामिन होते हैं दूध के अंदर तो अगर आप दूध पी रहे हो तो आप सारे विटामिन खा रहे हो जरूरी नहीं होता जैसे तो गाजर में विटामिन A है तो ए ही होगा बाकी नहीं होंगे नहीं भाई हो सकते हैं हरी मिर्च के अंदर हरी मिर्च हरी है तो उसमें विटामिन ए भी होता है सी भी होता है है ना तो मैं ये समझाना चाह रही हूं कि

सूर्य का प्रकाश कहेंगे सनलाइट कहेंगे अब सनलाइट वाला पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं अक्सर आपके दिमाग में एक इस तरीके का भ्रम रहता है कि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है अब बे उल्लूओं सनलाइट से विटामिन डी मिलता नहीं है सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी ज्यादा बनता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था कि विटामिन डी हमारी स्किन में बनता है आपका बॉडी खुद विटामिन डी बनाता है पता है आपको कहां बनता है हमारी त्वचा में हमारी स्किन में बनता है एक कंपाउंड होता है डाइहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल ये सब छोड़ो आपको इतना नहीं दिमाग लगाना है है ना तो हमारी स्किन में बनता है अब आप कहोगे मैम हमने तो सुना है सनलाइट से विटामिन डी सनलाइट से विटामिन डी बनता नहीं है सनलाइट में बैठोगे सनलाइट आएगी आपकी स्किन पे तो विटामिन डी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है इसलिए हम लिखते हैं कि सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इसलिए लिखते हैं समझ में आ गया समझ में आ गया तो यह बात याद रखिएगा कि सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी त्वचा में विटामिन डी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बाकी बनता है? आपका विटामिन हमारी त्वचा में बनता है, है पॉइंट क्लियर हो गया इसीलिए कभी कभी ना इस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है सनशाइन का मतलब क्या होता है सन की शाइन मतलब सनलाइट है ना तो कभी आपसे पूछ ले किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं आप कहेंगे विटामिन डी को कहते हैं कौन सा विटामिन सनलाइट विटामिन कहलाता है विटामिन डी कौन सा विटामिन स्किन में बनता है या हमारे बॉडी में बनता है तो क्या कहेंगे विटामिन डी बनता है विटामिन ए हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है हम इसको टोटली हंड्रेड परसेंट हम इसको बाहर से खाते हैं हमारी डाइट से लेते हैं पॉइंट क्लियर हो गया अब इन दोनों विटामिन के अपने सेपरेट काम है चलिए फिर पहले देखते हैं कि विटामिन ए क्या करता है विटामिन ए करता क्या है मैंने कहा विटामिन ए आपकी आंखों के लिए अच्छा है और शायद आप बचपन से सुनते भी आ रहे हैं कि विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा है अगर मैं आपसे पूछू क्यों अच्छा है अगर मैं आपसे कि क्यों अच्छा है विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा क्यों है आपकी हड्डियों के लिए अच्छा क्यों नहीं है आपके दांतों के लिए आपके बालों के लिए अच्छा क्यों नहीं है आपके पास जवाब है नहीं है चलो सुन लो क्योंकि विटामिन ए के जितने भी प्रोडक्ट खाते हो उन सब में होता है कैरोटीन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी चीज खा रहे हो जिसके अंदर कैरोटीन की मात्रा ज्यादा है वो सब आपकी आंखों के लिए अच्छे होते हैं ये जितने भी सारे गाजर वगैरह मैंने पालक वगैरह इन सब में लिखा ना इन सब में होता है ज्यादा बीटा कैरोटीन कौन सा बीटा कैरोटीन और ये जो बीटा कैरोटीन के लिए आप जो भी चीज खाओगे वही विटामिन ए का अच्छा सोर्स होगा जैसे मैं आपको बता दूं कि आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आर एस के एग्जाम में पूछा हुआ है गोल्डन राइस सुनहरे चावल बहुत सारे कंट्रीज में मिलते हैं जो कुपोषण के शिकार जैसे कोई ऐसे होते हैं ना कंट्री जहां पर बहुत ही कम ऐसा बच्चों छोटे छोटे बच्चों के अंदर विटामिन की कमी मिलती है वो लोग अपनी डाइट में आ, गोल्डन राइस रखते हैं तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो सुनहरे चावल होते हैं या गोल्डन राइस होते हैं वो सबसे अच्छा सोर्स किसका माना गया है विटामिन ई e का ए विटामिन ए का माना गया है और गोल्डन राइस के अंदर क्या होता है बीटा कैरोटीन ज्यादा होता है बात समझ में आ गई अब क्या होता है बच्चों जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करना जैसे ही आपने विटामिन ए खाया तो आपके बॉडी में बीटा कैरोटीन आ गया बिल्कुल आ गया बीटा कैरोटीन आ गया अब इसके लिए आप गोल्डन राइस खाओ या गाजर खाओ या पालक खाओ वो आप पर डिपेंड करता है अब ये बीटा कैरोटीन जो है वो आपके लीवर के पास जाएगा या आपके यकृत के पास जाएगा और लीवर क्या करेगा इस बीटा कैरोटीन को एक पिगमेंट में कन्वर्ट कर देता है और कौन सा पिगमेंट रोडोप्सिन पिगमेंट एक बार जरा बोलो कौन सा पिगमेंट रोडोप्सिन पिगमेंट में बदल देता है और यह रोडोप्सिन जाता है हमारी आंखों में कहां पे जाता है हमारी आंखों में जाता है और आंखों में मैंने पढ़ाया था बहुत अच्छे से दो टाइप की सेल्स होती हैं एक होती है सेल्स एक होती है रोड सेल्स सी से कौन सी से कलर ये आपको कलर दिखाती है अभी आप जिस तरीके का कलर देख पा रहे हो बोर्ड पे जैसे कहीं पर व्हाइट दिख रहा है जैसे कहीं पर जैसे ऑरेंज दिख रहा होगा कहीं पर पिंक दिख रहा होगा कहीं पर गुलाबी दिख रहा हो इतनी कलरफुल आप दुनिया देख रहे हो वो कौन सेल्स की वजह से देख रहे हो और जो आप देख पा रहे हो इस दुनिया को जो आप लाइट देख पा रहे हो आप जो प्रकाश देख पा रहे हो आपका जो विजन अच्छा है वो किसकी वजह से है वो रोड सेल्स की वजह से है और आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा लाइट तो दो ही होती है, या तो व्हाइट या काला है ना या तो काला या सफेद काले का मतलब क्या हो गया थोड़ा सा अंधेरा सफेद का मतलब सनलाइट में जो आप देख रहे हैं और इसी से सारे कलर बने हुए शायद आपने सुना होगा आप जब देख पा रहे हो आपकी दृष्टि अच्छी है इसका मतलब आपके अंदर रोड सेल्स अच्छी हैं हम जो लोग नहीं देख सकते उनके रोड सेल्स ढंग से नहीं बनी हुई है क्योंकि लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं रोड सेल्स और बच्चों ये रोड सेल्स तभी अच्छी रहेंगी जब इनके पास समय समय पर यह रोडोप्सिन पिगमेंट आता रहेगा तब आपकी रोडसेल्स आपकी जो दृष्टि है वो अच्छी रहेगी सिक्स बाई सिक्स की रहेगी एकदम पैनी नजर रहेगी सब कुछ देख लोगे इतने दूर बैठे हुए भी सारी चीजें आपको दिख जाएंगी अब अगर आपने विटामिन ए नहीं खाया बेटा कैरोटीन वाली चीजें नहीं खा रहे हो अपनी डाइट में है ना आप खा रहे हो पिज्जा बर्गर सैंडविच ये सब मोमोज ये खा रहे हो इसका मतलब आपके बॉडी में बीटा कैरोटीन नहीं आ रहा इसका मतलब अगर बीटा कैरोटीन नहीं आ रहा तो आपके बॉडी में रोडोप्सिन नहीं बन रहा और रोडोप्सिन नहीं बन रहा तो भाई कुछ दिनों के बाद किसमें प्रॉब्लम होगी इन रोड सेल्स में प्रॉब्लम हो जाएगी और रोड सेल्स में प्रॉब्लम होगी तो भाई किसमें प्रॉब्लम आएगी आपके विजन में आपकी जो देखने की शक्ति है उसमें प्रॉब्लम आएगी और कैसी प्रॉब्लम आएगी तो धीरे 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 आपको कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ेगा अगर आपके बॉडी में क्या होगी 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 किसकी हो विटामिन ए की मैंने पूरा ऐसे पूरी बातें बताई सिर्फ यह नहीं बताया कि विटामिन ए की कमी से ये होगा नहीं क्यों विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है समझ गए जवाब है आपके पास है ना ठीक है क्या क्या जवाब है कि विटामिन ए वाले प्रोडक्ट में बीटा है बीटा से रोडोप्सिन पिगमेंट बनता है रोडोप्सिन इसके लिए अच्छा होता है तो भाई जब तक बीटा कैरोटीन आ रहा है आपके बॉडी में तब तक रोडोप्सिन बन रहा है रोडोप्सिन बन रहा है तो मतलब सब ठीक है ठीक है अब क्या होगा अगर आपकी रोड सेल्स के पास रोडोप्सिन नहीं आया मतलब विटामिन ए की कमी होगी भाई सीधी सी बात क्या है किसकी कमी होगी आपके शरीर के अंदर विटामिन की विटामिन ए ए की की होगी होगी कमी हो और मैंने कहा था जब जब विटामिन की कमी होगी आपको बीमारियों का सामना करना पड़ेगा अब विटामिन ए की कमी होगी तो क्या क्या बीमारी हो जाएगी सबसे पहला बीमारी होगा नाइट ब्लाइंडनेस कौन सा होगा नाइट ब्लाइंडनेस होगा जिसे हम कहते हैं रतौंधी मतलब आपका विजन है वो कमजोर हो जाएगा आपने द्र, आपकी दृष्टि कमजोर हो जाएगी और जैसे ही शाम के ऐसे चार पाँच छह बजे बजने लगे हल्का हल्का अंधेरा होने लगा आपके आंखें ब्लर होने लग जाएंगी ब्लर विजन हो जाएगा आपको और उसी को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस उसी को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस दूसरा बीमारी अभी भी आप नहीं समले अब फिर भी आप विटामिन ए के प्रोडक्ट सही से नहीं खा रहे हो आपके बॉडी में फिर भी विटामिन ए की कमी होती जा रही है कमी होती जा रही है तो आपको दूसरा एक बीमारी देखने को मिलेगा जिसको बोला जाता है जीरोपथलमिया क्या कहा जाता है जीरोफ्थेलमिया तो अगर आपसे पूछ लिया अक्सर बच्चा रट्टा लगा के बैठता है कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है अब ऑप्शन में जरूरी थोड़ी नाइट ब्लाइंडनेस ही देगा ऑप्शन में आ गया जीरोफ्थेलमिया बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है तब भी आप कहोगे विटामिन ए की कमी से होती है इसमें क्या होता है वो सुन लो इसमें आपकी आंखों में सूखापन आ जाता है आपकी आंखों में

तीसरा बीमारी विटामिन ए की कमी से होता है कोरोनियल जीरोसिस, जीरोसिस इसके अंदर क्या होता है तो आपकी जो कोर्निया होती है इसके आगे मेमरीन सी आ जाती है झिल्ली सी आ जाती है जिसकी वजह से आपको चीजें ब्लड दिखना शुरू हो जाती हैं क्लियर नहीं दिखते हैं तो अगर आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि विटामिन ए की कमी से क्या क्या हो जाएगा तो ऑप्शन में आप ये बताओ ये सारी बीमारियां आप ढूंढोगे या नहीं ढूंढोगे जल्दी बताओ ये सारी बीमारियां आप ऑप्शन में ढूंढोगे या नहीं ढूंढोगे बिल्कुल ढूंढोगे ठीक है हो गया विटामिन ए कैसे क्वेश्चन बनेंगे केमिकल नेम क्या है कौन सा पिगमेंट बनाता है इनके अंदर क्या पाया जाता है गोल्डन राइस में क्या होता है कौन सा पिगमेंट कौन सी आंखों को आंखों की कौन सी सेल्स को अच्छा रखता है विटामिन ए हो गया अब प्यारे बच्चों देखो पुराने जमाने में तो लोग क्या करते थे हरी सब्जियां ज्यादा खाते थे है ना ये पिज्जा बर्गर सैंडविच कम खाते थे लेकिन आजकल के बच्चों को आपने देखा होगा तीन साल चार साल का बच्चा भी पिज्जा मांगता है ना चार साल का बच्चा का तो पिज्जा खाऊंगा मम्मी तो आजकल क्या हो गया उसी हिसाब से ढल गए हैं तो बात करते हैं जब कोई बच्चे का वैक्सीनेशन होता है बहुत अच्छा पॉइंट लिखवा रही हूँ मैं वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण छोटे बच्चों को बहुत सारे टीके लगते हैं तो भाई आजकल के बच्चे ये खाते तो है नहीं इस तरीके के प्रोडक्ट तो डॉक्टरों ने क्या किया वैक्सीनेशन के अंदर ही मिलाकर देने लग गए क्या विटामिन ए तो अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा विटामिन वैक्सीनेशन के अंदर मिला के दिया जाता है बच्चों को तो आप क्या बताओगे विटामिन ए जो है ना वो जब बच्चे का टीकाकरण होता है उसके अंदर ही मिलाकर दिया जाता है उसके पीछे का रीजन एक और भी है है छोटा बच्चा होता है, वो क्या पीता है माँ का दूध पीता है आप जानते हैं और माँ के दूध के अंदर भी विटामिन ए नहीं पाया जाता माँ का जो दूध होता है उसमें भी विटामिन ए नहीं होता है इसलिए बच्चे को जरूरी हो जाता है क्या करना जब उसको टीका लगता है उसमें विटामिन ए देना बात क्लियर है समझ गए क्या क्या, क्या क्वेश्चन होगा माँ के दूध में विटामिन ए नहीं होता है उसके अलावा मैं बता दूँ विटामिन ए जो है वो टीकाकरण के समय उस टीके के अंदर मिलाकर दिया जाता है उसकी कमी से बीमारियां होने वाली ऊपर वाली है सारी मैंने बता दी आ जाओ अगली बीमारी जो इसके साथ पढ़ रहे थे अगली विटामिन हम पढ़ रहे थे विटामिन डी पढ़ रहे थे ना विटामिन विटामिन डी डी इसी के के साथ बारे में मैंने बहुत सारी बातें बता दी है एग्जाम में क्या आएगा एग्जाम में आएगा विटामिन डी कहाँ बनता है हमारी त्वचा में बनता है इसके और क्या क्या नाम है लिख लीजिए अपने नोट्स में इसी को हम सनलाइट विटामिन भी कहते हैं इसी को हम सनशाइन विटामिन भी क्यों कहते हैं क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी स्किन में ये ज्यादा बनना शुरू हो जाता है इसलिए इसके ऐसे नाम पड़ गए हैं अब मैं आपको एक बात बता दूं इसी विटामिन को हम हार्मोन विटामिन भी कहते हैं आपसे अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि किस विटामिन को हार्मोन विटामिन या हार्मोन विटामिन कह सकते हैं कौन सी विटामिन को विटामिन डी को शायद आपने इस चीज का रट्टा तो लगा लिया होगा कि इसको हम हार्मोन विटामिन भी कहते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता होगा इसको क्यों कहते हैं है ना इसको क्यों कहते हैं उसका रीजन सुनो हमारे मैंने कहा विटामिन डी क्या करता है विटामिन डी मैम जो हमारी बोन्स होती हैं हड्डियाँ होती हैं जो हमारे दांत होते हैं और जो हमारी जॉइंट्स संधियाँ होती हैं जोड़े होते हैं इन सब को रिजिड बनाता है रिजिड का मतलब है एक तो कठोर बनाता है और इनको स्ट्रेंथ देता है मतलब मजबूती प्रदान करता है यही बात तो मैंने कहा तो जैसे विटामिन डी हमारी हड्डियों को दांतों को या जहां जहां कैल्शियम वाली चीजें होती हैं उनको कठोर और मजबूत बनाता है ठीक वैसे ही हमारे शरीर में एक हार्मोन भी होता है जो हार्मोन भी ये काम करता है जो विटामिन डी काम करता है वही हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन भी करता है अगर आपका नॉलेज बढ़ाना है तो आप याद कर लो उस हार्मोन को कॉलिप्स हार्मोन कहते हैं नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो इसीलिए हमने विटामिन डी का यहाँ पे नाम रख दिया हारमोन विटामिन तो जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर एक हारमोन होते हैं जिनको हम कॉलिप्स हारमोन कहते हैं ये हॉर्मोन काम करते हैं इसी तरीके से विटामिन डी भी काम करता है इसलिए हम विटामिन डी को हॉर्मोन विटामिन कहते हैं पॉइंट क्लियर हो गया क्या करता है ये सब करता है अब मैं आपको बता दूं कि विटामिन डी को हम केमिकली किस नाम से जानते हैं तो इसको कैल्सिफेरोल के नाम से जानते हैं बिल्कुल जानते हैं विटामिन डी के भी आगे दो टाइप होते हैं ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इसकी केमिकली तौर पे दो तरीके से प्रेजेंस होती है इसीलिए विटामिन डी के दो टाइप होते हैं एक डी होता है एक डी होता है किस बच्चे ने ये चीज़ पढ़ी है अब मुझे फटाक से बता दो कि विटामिन डी के बारे में क्या आपने ये पॉइंट पढ़ा है कि विटामिन डी जो होता है वो दो टाइप का होता है डी टू एंड डी थ्री जो डी टू होता है इसको केमिकली किस नाम से जाना जाता है इसको कहा जाता है एर्गोकैल्सीफेरोल क्या कहा जाता है? एर्गोकैल्सीफेरोल कहा जाता है? सेम नाम हिंदी में है एर्गोकैल्सीफेरोल किस विटामिन को कहा गया है? तो बता देना ये विटामिन डी टू को कहा गया है और जो डी थ्री होता है उसको कहा जाता है कॉलेकैल्सीफेरोल क्या? कॉलेकैल्सीफेरोल लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे कैलसी फेरोल तो कॉमन है यहां पर भी और यहां पर भी तो विटामिन डी का केमिकल नेम भी क्या होता है कैल्सी फेरोल अब मैम इसका कैल्सी फेरोल नाम क्यों पड़ा कैल्सियम कैल्सी फेरोल ये हमारे बॉडी में कैल्शियम के अब्जॉर्बशन में हेल्प करता है हमारे शरीर के अंदर जो भी आप कैल्शियम वाली चीजें खाते हैं उन सब चीजों से कैल्शियम का अवशोषण करवाता है क्या करवाता है अवशोषण करवाता है तो एक बात अगर आपसे एग्जाम में ये भी पूछ ले कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है तो वो विटामिन डी होता है और विटामिन डी दो टाइप का होता है एक डी और एक डी अब मैं आपको आगे ले जाती हूं थोड़ा सा ये नाम कभी आपने पढ़ा है कोलेस्ट्रोल कितने बच्चों ने नाम सुना है कोलेस्ट्रोल इसी कोलेस्ट्रोल से बनता है हमारे बॉडी में विटामिन डी अब कैसे बनता है इतना डीप में रिवीजन में नहीं पढ़ना आपको सिर्फ इतना याद कर लो कि कोलेस्ट्रोल विटामिन डी बनाता है

उनके पति बहुत स्मार्ट है मैं देख के कम से कम पांच सात मिनट हसी मैं और वो सरकारी जॉब करते हैं पता नहीं क्या क्या कुछ भी तो ये सब थोड़ा सा रुक जाओ यार है ना मत लिखा करो ये सारी चीजें होगी बात समझ में आ गई मेरी पी मिल जाएगी इस बोर्ड वाली साइंस वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार उससे मिल जाएगी पीडीएफ यही मिल जाएगी बोर्ड वाली अब मुझे सेव करने आने लग गई है ठीक है कोलेस्ट्रोल से ही विटामिन डी बनता है है ना कोलेस्ट्रॉल से ही विटामिन डी बनता है लेकिन आपने शायद ये सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से तो हार्ट अटैक आ जाता है अरे भाई वो एक अलग चीज होती है दोनों आपको आप थ्योरी क्लास में पढ़नी होगी ढंग से नहीं अभी नहीं ठीक है समझ में आ गई अब बात करते हैं कि विटामिन डी अगर हमारे शरीर में मैम इसकी होगी कमी विटामिन डी की क्या होगी कमी तो क्या-क्या बीमारियां -क्या देखने को मिल जाएंगी हो ना हो मैम हड्डियों को मजबूत करता है ये कठोर बनाता है तो विटामिन डी की कमी से हड्डियों में ही प्रॉब्लम होगी बिल्कुल होगी हड्डियों में दांतों में या आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम होगी बिल्कुल यही होगी और जब किसी छोटे बच्चे के अंदर विटामिन डी की कमी हुई छोटा बच्चा आप देखेंगे छोटा सा बच्चा होता है उसका शरीर कितना एकदम मुलायम सा होता है उसकी मालिश करते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना दादी वगैरह थोड़ा धीरे से करो यार उसको लग जाए क्योंकि उसकी हड्डियाँ कमजोर है उसकी हड्डियाँ कमजोर होती है ऐसे उसका हाथ देखना एकदम आप कैसे ही कर दोगे ऐसे कान ऐसे ही कर दोगे ना इसकी हड्डियाँ ऐसी होती हैं, बहुत मुलायम होती है सर पे ज्यादा जोर मत देना बच्चे का सर मत दबाना सही बोलती है वो दादी अम्मा क्यों क्योंकि सर ये ये किसका बना हुआ ये खोपड़ी ये खोपड़ी किसका हड्डियों का बना हुआ है अब उसकी हड्डियां तो उसके अभी कमजोर है ना तो ज्यादा सर पे सर मत दबाओ उसका है ना तो जब बात करते हैं एक छोटे बच्चे के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए तो एक बीमारी है प्यारी सी जिसको रिकेट्स कहा जाता है जिसे सूखा रोग कहा जाता है कौन सा रोग सूखा रोग अब ये सूखा रोग छोटे बच्चे में जब विटामिन डी की कमी होती है तो क्या क्या होगा उस बच्चे की हड्डियां पतली हो जाएंगी कमजोर रह जाएंगी उसका ये जो खोपड़ी वाला पार्ट है ये भी कमजोरी रह जाएगा ढंग से बनेगा नहीं उसको दांत बहुत लेट से आएंगे क्यों क्योंकि हड्डियां हड्डियों को भी कैल्शियम चाहिए दांतों को भी कैल्शियम चाहिए और कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा क्योंकि विटामिन डी की कमी है इसलिए उस छोटे के बच्चे के अंदर दांत बहुत देरी से आएंगे और उसका ये खोपड़े वाला पार्ट भी कमजोर सा रह जाएगा हड्डियां पतली रह जाएंगी और एकदम कमजोर सा शरीर हो जाएगा उसे कहते हैं रैकेट्स उसे कहते हैं सूखा रोग ये छोटे बच्चे में होता है अब अगर आपकी उम्र में विटामिन डी की कमी होगी तो अब रैकेट्स नहीं होगा आप छोटे बच्चे नहीं रहे हो आप ना छोटी बच्ची हो क्या वो नहीं हो आप। आपकी उम्र में बॉडी में विटामिन डी की कमी पाई जाएगी तब अब आपके शरीर में क्या होगा भाई दांत तो गए है आपके अब ऐसा कोई थोड़ी है जो दूध जिसके दूध के दांत अभी टूटे ही नहीं है जो पढ़ रहा है मेरी क्लास में ऐसा तो कोई नहीं है ना ऐसा तो बच्चा अब आपके शरीर में क्या होगा जब विटामिन डी की लगातार कमी होती रहेगी तो ऑस्ट्रोमलेशिया में क्या होगा बहुत ज्यादा कमी होगी आपके हड्डियां पतली हो जाएंगी बेचारी हड्डियाँ क्या हो जाएंगी पतली हो जाएंगी और हड्डियाँ मुड़ भी सकती हैं पतली हो जाएंगी सूख जाएंगी हड्डियां और धीरे धीरे हड्डियों में बैंड आ सकता है ये जो जॉइंट जो है ना ये भी कोई किसी का ऐसे हो जाएगा किसी का ऐसे हो जाएगा हाथ ऐसे जॉइंट कैसे हो सकते हैं अब भी आप नहीं सुधरे आपने विटामिन डी नहीं खाया तो धीरे 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 अब होएंगी खतरनाक सी बीमारियाँ कुछ बीमारियां लिख रही हुई ये। बाउलेक्स या नोकनी डिजीज नोकनी अगर किसी बच्चे ने अपने कैरियर में कभी पुलिस की तैयारी की है या आर्मी की या डिफेंस की तैयारी की है तो जब मेडिकल होता है तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपको बाउलेक्स तो नहीं है आपको नोकनी डिजीज तो नहीं है है ना पूछा गया होगा ना कभी ना कभी अब ये बीमारियां भी कब होती हैं ये बीमारियां भी विटामिन डी की कमी से होती है और अगर आपके अंदर लगातार आप में विटामिन डी की कमी है तो अब एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब आप में ये बीमारियां हो जाएंगी अब बाउलेक्स क्या होता है पहले ये सुनो आप जानते हैं ये हमारे है दो पाव है दो थाई है दो जांग है दोनों जांगों में दो जांग की हड्डियां होती हैं जैसे लेफ्ट थाई में राइट थाई में दोनों में और जांग में जो हड्डी होती है उसका नाम होता है फीमर क्या होता है फीमर है ना फीमर नाम होता है जो यहां से लेकर आपके एकदम घुटने वाले पार्ट तक रहती है तो अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी हो गई तो आपकी हड्डियां पतली हो गई और आपके शरीर का वजन वो झेल नहीं पाई अब शरीर का सारा वजन चला गया आपकी फीमर पे किस पे चला गया आपके जांग की हड्डी पे अभी फीमर ऐसी है अब बहुत ज्यादा विटामिन डी की कमी हुई तो धीरे धीरे आपके सारे शरीर का वजन किस पे इस फीमर पे इस जांग की हड्डी पे तो बेचारी फीमर ऐसे 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 जैसी हो जाती है। ऐसे मुड़ जाती है है मुड़ फीमर कैसे इस तरीके से दोनों पाओ की फीमर ऐसे मुड़ जाती है इसी को कहा जाता है बाउलेक्स अब बहुत ज्यादा दिनों तक तो ये रहा तो ये जो फीमर है दोनों ऐसे इनके बीच का गैप कम होता जाएगा और यहां वाला घुटना और यहां वाला घुटना ये घुटने ऐसे आपके टकराएंगे आप अगर भागोगे तो आप गिर जाओगे मिल्खा सिंह मूवी में दिखाया होगा आपने देखा होगा आप जब दौड़ लगाओगे है ना पुलिस में हो तो दौड़ भी लगानी पड़ेगी डिफेंस में जाओगे तो दौड़ भी लगानी पड़ेगी है ना भागना पड़ेगा तो आपके ये घुटने आपस में टकराएंगे और आप टकरा के नीचे गिर जाओगे आप दौड़ नहीं लगा पाओगे इसी को बोलते हैं नोकनी डिजीज घुटनों का आपस में टकराने वाला बीमारी तो यही एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्या कि आपसे की ऑस्ट्रोमले भी किसकी वजह से विटामिन की कमी से बाउलेक्स की किसकी वजह से विटामिन डी की कमी से घुटनों का आपस में टकराना भी विटामिन डी की कमी से हो सकता है ठीक है तो ये सारे आपके और विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर क्या करता है कैल्शियम के अवशोषण में हेल्प करता है विटामिन डी को हम दो कैटेगरी में टाइप बांटते हैं डी टू डी थ्री सनशाइन विटामिन कहते हैं एक हार्मोन की तरह काम करता है ये सारे काम मैंने आपको बता दिए हैं अगर आप में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी है तो इसकी टैबलेट आती हैं जो सात दिन में आप एक बार खा सकते हो नेचुरल सोर्स लेने हैं तो दूध पी लीजिए अंडा खा लीजिए इन सबसे आपको विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिल जाएगा और या फिर एक टैबलेट आती है जो आप सात दिन में एक बार खा सकते हो बहुत ज़्यादा कमी है जैसे आप टीचर्स हम लोगों को खड़ा रहना पड़ता है तो हम

एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहां से ब्यूटी विटामिन किसको कहा जाता है हम प्रैक्टिस करेंगे तब भी आएगा आज चार पढ़ाऊंगी ए ई e के चारों पढ़ाऊंगी बी के सारे टाइप और सी कल पढ़ेंगे ना तो उसको ब्यूटी विटामिन कहा जाता है साथ में मैं बता दूं विटामिन ई e का केमिकल नेम क्या होता है इसको केमिकली हम जानते हैं टोकोफेरोल के नाम से किसके नाम से टोकोफेरोल के नाम से आपने शायद कमेंट में टाइप भी कर दिया होगा कि इसको हम टोकोफेरोल कहते हैं बिल्कुल सही बात है टोकोफेरोल कहते हैं विटामिन ई e के लिए क्या खाएं मैम ये पॉइंट छोड़ा है मैंने ब्यूटी विटामिन क्यों कहते हैं बताएंगे विटामिन ई e के लिए हम क्या खाएं विटामिन ई e के लिए आप ऐसे फ्रूट्स खाइए जिनमें पानी बहुत ज्यादा होता है जैसे आप देखते हैं तरबूज खरबूज है ना अनार हो गया जैसे आप ये खा सकते नारियल पानी है ना इन सबके अंदर आपका या फिर जो बीज वाले तेल होते हैं ना उसके अंदर भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसके साथ साथ बता दूं जो फिश का कोल्ड लिवर आप कोड लीवर ऑयल का मतलब होता है यकृत का तेल है ना फिर कोड लीवर ऑयल होता है ना कोड ऑयल या लीवर ऑयल ऐसा लिख लो ठीक है तो इसके अंदर भी विटामिन ई e ज्यादा पाया जाता है विटामिन डी भी होता है लेकिन ई e ज्यादा होता है ठीक है

तो आप में जो निषेचन की क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है और ऐसा लड़का और लड़की बाद में बच्चे प्रोड्यूस मतलब बच्चे नहीं पैदा कर पाते हैं तो उसे विटामिन ए e की कमी से बांझपन भी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है स्टेबिलिटी आ सकती है कैसे आती है मैं सब बताऊंगी विटामिन ई e की कमी से आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है अरे मैम इतनी खतरनाक बीमारी बिल्कुल हो सकता है विटामिन ई e की कमी से आपको अर्ली एजिंग होगा अर्ली एजिंग का मतलब होता है उम्र से पहले बुढ़ापा आना आपकी उम्र है चालीस साल की और आप दिखने लग गए हो 50 साल के है ना और इसके साथ साथ विटामिन ए e की कमी से कैटरेक्ट भी हो सकता है कैटरेक्ट का मतलब होता है मोतिया बिंद और ये मैम हमने तो सिर्फ एक बात सुनी थी कि विटामिन ए e तो सिर्फ स्किन के लिए अच्छा होता है क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं किया है ना आपने कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं किया इसलिए अब आइए जरा ये, ये इतनी सारी बीमारियां क्यों हो जाती हैं बात करते हैं ये सिर्फ इसका रीजन एक ही है ना e एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है कैसा होता है? होता है हिंदी में बोलेंगे इसको प्रतिऑक्सीकारक विटामिन तो अगर आपसे पूछ लिया कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है एक तो ई है और बच्चा एक लिख लीजिएगा सी है दोनों विटामिन को हम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं ई e और सी ठीक है अब एंटीऑक्सीडेंट विटामिन का मतलब क्या होता है इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना फिर ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी अपने आप ठीक है देखो हमारा शरीर क्या है एक मशीन है बिल्कुल है और जैसे मशीन के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं ठीक हमारे बॉडी में भी दिन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं आप जानते हैं हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है बिल्कुल होती है जैसे रेस्पिरेशन भी होता है है ना जैसे डाइजेशन भी होता है बहुत सारी चीजें होती हैं कुछ चीजें बनती हैं कुछ चीजें टूटती हैं केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कोई चीज टूट रही है कुछ नया बन रहा है यही तो होता है केमिकल रिएक्शन में ठीक ही हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं तो कुछ नई चीजें बनती हैं और कुछ चीजें टूटती रहती है तो जब ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो इनके रिजल्ट में हमारे बॉडी में बहुत सारे फ्री ऑक्सीजन बन जाते हैं कुछ मुक्त ऑक्सीजन बनते हैं क्या बनते हैं कुछ फ्री ऑक्सीजन रह जाते हैं बिल्कुल रह जाते हैं फ्री ऑक्सीजन और ये फ्री ऑक्सीजन हमेशा आपके बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं कैसे अगर ये फ्री ऑक्सीजन जो है ये गए आपकी स्किन में आपकी त्वचा में तो स्किन की जो आपकी स्किन है ना उसकी लेयर्स के अंदर जो सेल्स हैं उन सेल्स को डेड कर देंगे ये फ्री ऑक्सीजन आपकी त्वचा की कोशिकाओं को मार देगा और वो त्वचा जो आपकी है ना वो एकदम डेड हो जाएगी और आपकी स्किन पर डेड सेल्स आ जाएंगे आपके स्किन पे रिंकल्स होने लग जाएंगे झुरिया पड़ने लग जाएंगी और जिसकी वजह से आपकी स्किन लटकने से लग जाएगी लूज हो जाएगी रिंकल्स पड़ जाएंगे डेड सेल्स बहुत ज्यादा तो हो जाएंगे तो स्किन एकदम आपकी रूखी सूखी हो जाएगी आपकी स्किन का ग्लो सॉरी ग्लो चमक आपकी एकदम खत्म हो जाती है और बच्चा इसी को कहा जाता है कि अगर आपने विटामिन ई e सही से नहीं लिया तो आप में अर्ली एजिंग हो गया आप में उम्र से पहले बुढ़ापा आ गया समझ में आ गई मेरी बात कैसे आ जाएगा बुढ़ापा एक बार फिर से सुनो अगर विटामिन ई e की कमी है तो आपके शरीर के अंदर फ्री ऑक्सीजन ज्यादा है फ्री ऑक्सीजन ज्यादा है फ्री ऑक्सीजन को खत्म करता है कौन विटामिन ई e. अच्छा थोड़ा सा वापस समझने की कोशिश करो मैंने कहा हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं और जब बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं तो बहुत सारे फ्री ऑक्सीजन बनते हैं और ये फ्री ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ ऐसी कोई भी विटामिन जो इन फ्री ऑक्सीजन को ख़त्म कर दे उसी को एंटी चीज़ कहा जाता है उसी को एंटी विटामिन कहा जाता है जैसे आपने देखा होगा लड़कियां क्या करती हैं मुंह के ऊपर दही दही में बेसन डाल के लगाती है हल्दी लगाती है हल्दी भी एंटीऑक्सीडेंट होता है बेसन भी एंटीऑक्सीडेंट होता है टमाटर रगड़ती रहती हैं फेस पे एंटीऑक्सीडेंट होता है दही भी एंटीऑक्सीडेंट होता है क्यों बच्चा क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है जो इन फ्री ऑक्सीजन को खत्म कर दे ठीक ऐसे ही विटामिन ई भी इन फ्री ऑक्सीजन को खत्म कर देता है और अगर विटामिन ई e की कमी हुई तो ये फ्री ऑक्सीजन ज्यादा रहेंगे और ये फ्री ऑक्सीजन आपकी स्किन में जाएंगे आपकी त्वचा को आपकी स, न... जो स्किन में निखार है उसको खत्म कर देंगे और स्किन के अंदर डेड सेल्स ज्यादा हो जाएंगे झुरिया हो जाएंगी आपको पिंपल से होने लग जाएंगे बहुत सारे स्किन लटकने लग जाएगी और इसी को बोलते हैं अर्ली एजिंग इसी को बोलते हैं उम्र से पहले बुढ़ापा आना और अगर आप सही मात्रा में विटामिन ही ले रहे हैं तो ये सारी कोई बीमारी नहीं रहेगी आपकी स्किन जो है एकदम टाइट रहेगी मतलब आपकी स्किन के अंदर ग्लो रहेगा चमक रहेगी तो आप अगर 30 साल की उम्र है तो आप बीस साल के दिखोगे जैसे देख लो आप अनिल कपूर है ना ठीक है तो अब बात करते हैं दूसरी दूसरी बात यह है कि हार्ट अटैक कैसे आ जाएगा विटामिन ए e की कमी से भैया अगर ये फ्री ऑक्सीजन पहुंच गए हार्ट के पास और आपके हार्ट के पास जो सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं कार्डियक सेल्स हमारा हार्ट जिन सेल्स से बना हुआ है जिन कोशिकाओं से बना हुआ है उनको कार्डियक सेल्स कहा जाता है तो अगर ये फ्री ऑक्सीजन गए कार्डियक सेल्स के पास तो कार्डियक सेल्स को तो क्या कर देंगे ये डेड कर देंगे उसे मार देंगे और जिसकी वजह से आपके हार्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज हो सकती है या कोई सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है और जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक पड़ सकता है तो बिल्कुल विटामिन की कमी से आपको हार्ट अटैक आ सकता है अब बात करते हैं मोतियाबिंद कैसे हो जाएगा अगर ये फ्री ऑक्सीजन आपकी आंखों में चले गए तो आंखों की जो सेल्स हैं अभी पढ़ाया मैंने आपकी कौन सी सेल्स रोड सेल्स हैं है ना इनको खराब कर देगा तो आप जानते हैं आपकी स्किन आपकी आंखों के आगे ऐसे एक मेम्ब्रेन बनने लग जाएगी झिल्ली बनने लग जाएगी जिसकी वजह से आपको चीजें धुंधली दिखाई देंगी उसी को आप मोतियाबिंद या कैटरेक्ट कहते हो और अगर ये फ्री ऑक्सीजन गए आपकी रिप्रोडक्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स के पास किसके पास बताओ रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन सी होती हैं मेल बॉडी में होती हैं लड़कों में होती हैं स्पम सुक्राणु कोशिका और फीमेल बॉडी में लड़कियों में कौन सी होती हैं ओवा अंडाणु कोशिका तो अगर ये फ्री ऑक्सीजन गए एक मेल बॉडी के टेस्टिस वृषण में और वहां पर स्पम्स को मार देंगे और बिना स्पम्स के क्या फर्टिलाइजेशन हो सकता है नो no, मैम अगर फीमेल बॉडी में गए तो उसके अंडाणुओं को नष्ट कर देंगे और बिना स्पम और ओवा के फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता अगर निषेचन करवाना है अगर जायगोट बनाना है एक बच्चा बनाना है एक बच्चा, बच्चा पैदा करना है तो लड़कों के अंदर सही मात्रा में सही से स्पम शुक्राणु कोशिकाएं बननी चाहिए और लड़कियों के अंदर सही से ओवा यानी अंडाणु बननी चाहिए तो अगर विटामिन ई की कमी हो गई तो ये फ्री ऑक्सीजन जाके स्प और ओवा को नष्ट करना शुरू कर देते हैं हैं शुक्राणु और अंडाणु को मारना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से स्पम्स का काउंट कम हो जाएगा मेल बॉडी में और लड़का भी स्ट्राइल हो जाएगा आप लोग लड़के भी बांझ होते हैं क्या? भाई बिल्कुल होते हैं बिल्कुल होते हैं ये अपनी थिंकिंग थोड़ी सी सुधार लो कि अगर लड़की बच्चा पैदा नहीं कर पा रही तो लड़की में कमी है ना भैया सेवेंटी केसेस में लड़कों में कमी होती है है ना और अगर फीमेल बॉडी में ओवा को डैमेज करा तो फिर वो लड़की भी स्ट्राइल हो जाएगी वो भी बांझ हो जाएगी तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या बनेगा सुन लीजिए बोर्ड पे दैनिक जीवन में भी काम आने वाली क्लास है ये आज की अपने मम्मी पापा को भी दिखा सकते हो आप ये क्लास अभी इसका मतलब ये नहीं क्या होंगे मम्मी पापा यहाँ पर ठीक है समझ तो गए होंगे आप मतलब बीमारियाँ होती है ना मम्मी पापा में विटामिन की कमी होती रहती है आप उनको भी दिखा सकते हो समझ रहे हो तो आप बताइए ज़रा अगर आपसे पूछ ले विटामिन ई e को हम ब्यूटी विटामिन क्यों कहते हैं समझ में आ गया विटामिन ई e को हम ब्यूटी विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि विटामिन ई e क्या करता है हमारी स्किन को अच्छा रखता है आपकी त्वचा में ग्लो रखता है आपकी त्वचा में डेड सेल्स कम करता है जिसकी वजह से आपके निखार रहता है जिसकी वजह से आपको आप सुंदरता बढ़ती है लेकिन इंसान की सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं होती आंतरिक भी होती है इंसान का ब्रेन कैसा है कैसा सोचता है कैसे विचार हैं उसके मन में कैसी सोच है उसकी किसी के लिए और कैसा उसका हार्ट है हार्ट का मतलब हार्ट में कोई इमोशंस तो नहीं होते हैं लेकिन कहने का मतलब आपके दिमाग के अंदर किसी के लिए कैसे इमोशंस है किस तरीके का है तो उस पर डिपेंड करता है आपकी सुंदरता ये बाहरी सुंदरता एक दिन नष्ट हो जानी है आपकी भी मेरी भी सबकी नष्ट हो जानी है याद रह जाएंगे तो लोगों के जो आपके अच्छे क्रम है और आपके अच्छे कर्म है और अच्छी जो आपकी सोच है वो लोग आपके याद रखेंगे तो इसी इसी वजह से इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं अब आपसे पूछ ले किस विटामिन की कमी से बांझपन आ सकता है की से, किस विटामिन की से हो सकता है। उम्र से पहले बुढ़ापा है, आ सकता है। तो इन सारों आंसर हो इसी को हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं आइए जरा नेक्स्ट विटामिन पढ़ते हैं विटामिन के ये सारी फैट में सोल्यूबल विटामिन है विटामिन के और के से काजल और के से विटामिन के जब जब बात करते हैं विटामिन के की तो सबके दिमाग में एक ही चीज आती है भैया क्या मैम विटामिन के क्या करवाता है ब्लड क्लोटिंग करवाता है मेरे भी दिमाग में यही आती है ब्लड क्लोटिंग करवाता है विटामिन के रक्त का थक्का जमाता है बिल्कुल सही बात है रक्त का थक्का जमाता है अब ये थक्का कब जमना चाहिए जब कभी आपको चोट लगती है कहीं पर भी चोट लगी यहां वहां नशे फट गई खून निकल गया थोड़ी देर आपका खून निकलता है उसके बाद आपको जो खून निकल रहा है आपकी ब्लीडिंग है वो रुक जाती है क्यों रुक जाती है क्योंकि जिस हिस्से पे पे चोट लगी थी वहां ब्लड का क्लोट बन जाता है खून जम जाता है और वो खून बाहर नहीं निकलता है उसी को ब्लड क्लोटिंग कहते हैं उसी को रक्त का थक्का जमना कहते हैं उसी को रक्त का थक्का जमना कहते हैं और जब बात करते हैं बच्चा ये विटामिन के किस तरीके से ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है तो सुनो ये एक की की तरह क्लोटिंग की कुछ केमिकल रिएक्शन को फास्ट करवाने का काम करता है विटामिन के आपने सुना है केमिस्ट्री में कैटलिस्ट कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन बहुत धीरे धीरे हो रही थी उसमें कैटलिस्ट डाल दिया बहुत जल्दी जल्दी हो गई ठीक है ऐसे ही विटामिन के जो है वो भी एक कैटलिस की तरह काम करता है कहां पर जब आपके शरीर के अंदर ब्लड क्लोटिंग होता है तो कुछ रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस को जल्दी करवाना है भाई जब ब्लड क्लोटिंग जल्दी होगा तभी तो आपका जो खून निकल रहा है वो बंद होगा आपकी ब्लीडिंग रुकेगी आप ये चाहोगे क्या आज चोट लगे तीन दिन बाद ब्लड क्लोटिंग हो जाए मर जाओगे कब के खत्म हो चुके की बैठक हो चुकी होगी आपकी है ना तो समझो मेरी बात अभी दिल पे मत ले लेना कि मैम ऐसा बोलती है ये वो ऐसा नहीं है मैं एकदम आपको छोटे भाई बहन की तरह पढ़ाती हूँ ऐसा समझो ना आज अपने भाई को भी डांट के आई हूँ पढ़ाई लिखाई में मन ही है। मैं मैं नहीं, नहीं है उसका सिर्फ इंस्टाग्राम चलाता रहता है स्नैपचैट चलाता रहता है आज ही डांट के आई हूँ उसको मैं बहुत भयंकर वाला अब जाऊँगी तब देखूंगी क्या होता है तो ये किसकी तरह काम करता है कैटलिस की तरह काम करता है ठीक है इसको केमिकली हम क्या बोलते हैं इसको हम केमिकली बोलते हैं फाइलो इसका नाम होता है फाइलो क्वेन ठीक है बच्चा या नैफ्टो क्वेनिन इसको नैफ्टो क्वेनिन भी कहा जाता है तो ये इसका केमिकल नेम होता है सोर्सेज की बात करोगे तो जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है ना हरी सब्जियां होती है ना उन सबके अंदर विटामिन के पाया जाता है सबसे अच्छा सोर्स लिखोगे तो एक तो कैबेज लिख लो गोभी लिख लो है ना बंद गोभी लिख लो और दूसरा लिख लो मेथी मेथी देखा ना आपने मेथी के पराठे खाते होंगे आप सर्दियों में पालक में भी होता है बिल्कुल होता है पालक में भी होता है ये तो ये कुछ इसके अच्छे सोर्स हैं अब अगर मैं कहूं आपके शरीर के अंदर विटामिन के की कमी हो गई तो क्या नहीं होगा ब्लड का क्लोट नहीं होगा या क्लोटिंग में टाइम ज्यादा लगेगा केमिकल रिएक्शन बहुत लेट होंगी जिसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है तो वो विटामिन के है पूछ ले ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन 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 हेल्प करता है K, K का 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 है के के का काम क्या ब्लड में एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हेल्प करता है और अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो एक तो आपका खून बहता जाएगा बहता जाएगा बहता जाएगा, जाएगा ब्लीडिंग हो जाएगी और दूसरा हेमरेज हो जाएगा हेमरेज का मतलब क्या है बहुत सारा खून निकल जाएगा बहुत सारा खून निकल जाएगा और आपके शरीर के अंदर कहीं पर भी इंटरनली भी ब्लीडिंग हो सकती है कहीं पर भी है ना और जिसकी वजह से आपको ब्रेन हेमरेज या कुछ भी ऐसे कुछ बीमारी देखने को मिल सकती है ब्लड का क्लोड नहीं होगा रक्त का थक्का नहीं जमेगा विटामिन के की कमी से ये पढ़ लिए हमने आज चार विटामिन कौन कौन से विटामिन ए डी ई e, के और ये चारों हमारे शरीर में किस में घुलते हैं चारों हमारे शरीर में फैट में घुलते हैं वसा में घुलते हैं अब

सिट्रस <coughs> फ्रूट में ज्यादा होता है जो खट्टे फल होते हैं ना बच्चा अब खट्टा क्या क्या लगता है खाने में आप खुद लिख लो जैसे संतरा हो गया है ना संतरा खट्टा लगता है लगता ही होगा संतरा खट्टा जैसे कच्चा आम बिल्कुल हो सकता है कच्चा आम जिसको कैरी कहते हैं देखो पके हुए आम में विटामिन ए ज्यादा होता है कच्चे आम में ये ज्यादा होता है इसके अलावा आप लिख लो नींबू लेमन हो गया इसके अलावा आप लिख लो आमला आमला बहुत अच्छा सोर्स होता है इसका आमला हो गया अंगूर अंगूर बहुत अच्छा आमला और अंगूर सबसे अच्छे सोर्स माने जाते हैं इसके ठीक है इसके अलावा इमली हो गया टेमरिंड हो गया ठीक है इसके अंदर भी होता है एक्सेक्ट्रा एक्सेट्रा अब मौसमी हो गया जो भी चीज आपको खट्टी लिख ली वो लिख लो एक्सेट्रा एक्सेट्रा अब मैं आपको एक बात बता दू कुछ लोगों की आदत होती है ये मत करा कर रहा हूँ ऐसा घर में सब्जियों को काट लेते हैं और काटने के बाद धोते हैं ऐसा करते हैं बहुत सारे लोग अगर आपने कटी हुई सब्जियों को आपने पहले सब्जियों की चॉपिंग कर ली काट लिया कटी हुई सब्जियां हैं उनको ये एग्जाम में क्वेश्चन आए कैसले बता रही हूँ कटी हुई सब्जी को आपने वॉश कर लिया आपने धो लिया तो उसमें से कौन से विटामिन को आपने धो डाला भाई विटामिन सी को धो डाला क्योंकि विटामिन सी तो पानी में घुल जाता है ना और आपने कटी हुई सब्जी को पानी से धो दिया धो दिया तो उस पानी के साथ क्या ले गया पानी अपने साथ विटामिन सी ले गया तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कटी हुई सब्जियों को वॉश करने से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है विटामिन सी भी और विटामिन बी भी क्योंकि दोनों ही तो पानी में सोलबल विटामिन है दोनों ही तो क्या है? Water -soluble vitamin है, दोनों पानी में घुलनशील विटामिन है तो पानी से बाहर निकल जाएगा और एक सब्जी को ज्यादा पकाने से ज्यादा पका लिया आपने एक्सेस कुकिंग कर दी आपने सब्जियों को बहुत ज्यादा पकाते हो एकदम ऐसा मेड़ के खाते हो पूरा एक्सेस कुकिंग कर दी ज्यादा पका दिया आपने तब भी उसमें से विटामिन सी खत्म हो जाता है इसलिए कहा जाता है सब्जी को हल्का सा कच्चा खाया करें। मसाला पका लो लेकिन उसके अंदर जो उस सब्जी है ना उसको थोड़ा कच्चा खाओ क्यों? क्योंकि जो विटामिन सी होता है ना वो हीट सेंसिटिव विटामिन होता है ये सारे क्वेश्चन है आपके एग्जाम के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उष्मा रोधी विटामिन या हीट सेंसिटिव विटामिन कौन सा है तो कहेंगे विटामिन सी है अब आप में से कुछ भाई बंधु एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होंगे एकदम आइंस्टीन बन के दिमाग चला रहे होंगे कहेंगे मैम आपने तो कहा था खट्टे फलों में विटामिन सी होता है और यहाँ लिख रहे हो सब्जियों को धोने से विटामिन सी खत्म हो जाता है ये मेजर सोर्सेज हैं इनसे ज्यादा मिलता है ये लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब्जियों में विटामिन सी नहीं होता है होता है जैसे मैं अगर बात करूं ना आपसे पूछ ले हरी मिर्च में कौन सा विटामिन होता है तो तुरंत विटामिन सी का ऑप्शन करके आ जाना जो आप ग्रीन चिलीज खाते हो ना हरी मिर्च खाते हो उसमें विटामिन सी होता है ज्यादा ठीक है बात करते हैं ये हीट सेंसिटिव विटामिन होता है तो अगर आपने ज्यादा सब्जी की एक्सेस कुकिंग कर दी तो विटामिन सी उसे खत्म कर दिए आप खा लो आप नेक्स्ट अगर बात करते हैं विटामिन सी की तो विटामिन सी को कहा जाता है एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन का मतलब होता है कैंसर रोधी ये आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचाएगा अगर आपने सही मात्रा में लिया है तो जो कैंसर्स वाले जो उनकोजीन्स होते हैं उनको प्रोड्यूस होने से बचाने का काम करता है इसीलिए इसको एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन या कैंसर रोधी या कैंसर से बचाने वाला विटामिन भी कहते हैं नेक्स्ट विटामिन सी जो है वो वुंड को हील करता है हीलिंग का काम करता है कहीं पर भी आपके शरीर में घाव पड़ गया कोई आपको चोट लगी वहां पर क्या हो गया घाव पड़ गया तो घाव भरने में में सहायक होता है तो अगर आपसे एग्जाम पूछ लिया कौन सा कौन सा सा विटामिन है जो घाव को भरने में सहायक होता है तो कहना विटामिन सी है वो ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करते हैं विटामिन सी की तो विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है कौन सा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन अब मत कहना कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से होते हैं बढ़ा दिए मैंने दो होते हैं विटामिन सी और विटामिन ई e. ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं ये भी आपकी स्किन वगैरह को अच्छे रखने का काम करेगा अगला विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है बहुत बढ़िया आपने पढ़ा होगा जब कोरोना पीक पे था तो लोगों ने क्या कहा था विटामिन सी खाओ विटामिन सी की मेडिकल स्टोर पे इसकी टेबलेट्स आती है ना उनकी कमियां हो गई थी पता है एक बार इतनी कमी हो गई थी Uh, हर एक मेडिकल स्टोर पर विटामिन सी की टैबलेट मिल भी नहीं रही थी बहुत बार ऐसा होता है uh, उस समय ऐसा हुआ था बहुत बार क्यों क्योंकि लोगों को ऐसा पता लग गया था कि विटामिन सी जो है वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है इम्यूनिटी का मतलब है रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ोतरी करता है और जितनी ज्यादा आपकी इम्यूनिटी सही रहेगी उतना ही कोरोना का अटैक होने के चांसेस कम है इसलिए लोग बहुत ज्यादा विटामिन सी uh, विटामिन सी उस समय खा रहे थे है ना तो आपसे पूछ ले कौन सा विटामिन है जो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है विटामिन विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट कौन है यही है घाव को भरने वाला यही है कैंसर रोधी भी यही है हीट सेंसिटिव कितने सारे तो क्वेश्चन है सबसे अच्छा सोर्स क्या है इसका आंवला अंगूर ये अच्छे हैं हरी मिर्च में भी कौन कौन सा होता है विटामिन सी होता है ये सारे क्वेश्चन ऐसे कुछ आपसे देखने को मिलते हैं और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया पहले लाइक करो ठीक है एक बच्चा कह रहा है ए डी ए के सी मोटा, -मोटा पढ़ा दिया कुछ की? फटाक -फटाक से प्रैक्टिस करते हैं ठीक है ज्यादा टाइम नहीं करेंगे एकदम बिल्कुल फटाक फटाक से फटाक का मतलब बहुत तगड़े तरीके से प्रैक्टिस करते हैं बहुत आसान लगेगा आपको आप पढ़ने के बाद पढ़ा नहीं है तो भाई सब कुछ ही मतलब ऐसा ही होगा है ना चलो आ जाइए विटामिन बी यहीं से क्वेश्चंस की फॉर्म में कर लेंगे सारा पढ़ा दूंगी बस सिर्फ पेशेंस के साथ काम चलाओ है ना आओ यहाँ पे लाइक हो गया चलो आगे सबने लाइक कर दिया और सुन लीजिए इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो वहाँ पर आपको पी भी मिल जाएगा ये सारा लिखा हुआ सारा बोर्ड का पी डी एफ पर डाल दूंगी और इसके साथ आप फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के अप्लीकेशन डाउनलोड करके रेलवे की कैटेगरी में जाके मेरिट बैच से दे लेना अगर कहीं ना मिले ना तो इस बैच में आपको पी मिल जाएगी रेलवे में जाना फ्यूचर टाइम्स कोचिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना फिर मेरिट रेलवे में जाना रेलवे में मेरि बैच में और वहाँ पर हो जाएगा ठीक है हो गया होगा लाइक वाइक कर दिया होगा ठीक है और इस संडे यार ओ बहुत अच्छी न्यूज एक मिनट लूंगी आपका इस संडे को मैंने कहा था ना एक मैं बहुत बढ़िया वाला टेस्ट करवाने वाली हूँ इस संडे को आरआरसी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन के लिए हमारी एप्लीकेशन पर एक लाइव टेस्ट होगा जिसके टाइमिंग होगी 10 से 12 सिर्फ दो घंटे सुबह 10 आपको मॉर्निंग में सुबह 10 से 12 में आप लाइव टेस्ट दीजिए एक बजे आपका रिजल्ट आ जाएगा और जो टॉप टेन स्टूडेंट होंगे इसमें और एकदम एग्जाम की तरह आपका पेपर बनाया है टॉप टेन स्टूडेंट को कुछ ना कुछ प्राइज मनी भी मिलेगा वो बात की बात है सिर्फ फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के एप्लीकेशन पर जाके टेस्ट सीरीज वाले कॉलम में जाके आप दे सकते हो इसको अब आ जाओ अनेमिया अनेमिया का मतलब होता है खून की कमी खून की कमी किस विटामिन की वजह से हो सकती है अब सुन लो बच्चा खून की कमी जो है

कौन सा बच्चा मैग्लोब्लास्टिक अनेमिया अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेरे से गुस्सा हो जाएंगे मैं हिंदी में लिख रही हूँ। अरे भाई सेम हिंदी में क्या लिखूं हिंदी में अलग ठीक है एक होता है विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन बी बारह इसकी कमी से होता है परनीसियस अनेमिया अब इन सबके आगे लिख रखा है अनेमिया अनेमिया का मतलब होता है खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी है ना ऐसे होता है समझ में आ गई मेरी बात अब इनमें से ऑप्शन ढूंढो कौन सा है आपके पास जो होगा वही आपका आंसर सही हो जाएगा एक बार फिर से अपनी नकिल नोट डाउन कर लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि विटामिन किस की कमी से माइल्ड करोबास्टिक होता है ये सब आगे एक्सप्लेन बी ट्वेल्व की कमी से, से परनीसियमिया होता है लेकिन है तो अनेमिया ही ना खून की कमी है ना सब में अब बताओ हमारे पास कौन सा ऑप्शन है हमारे पास है विटामिन बी तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर

ठीक है लिख लीजिए थियामीन होता है हो गया पहला विटामिन बी टू को क्या कहते हैं ये सारे लिख लो अभी ठीक है केमिकल नेम यही लिख लो विटामिन B2 को आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करो किसको सारे विटामिन के बी के नाम याद है बी टू को, राइबो बोलते को नियासीन या राइबोफ्लेविनटिन एसिड कहते हैं नियासीन जिस जिसको याद है मेरी तरह वो कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए विटामिन बी फोर का क्या होता है बी फोर नहीं होता है बी फाइव बी फाइव को कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड पांच को कहते हैं पेंटा वैसे ही पेंटोथेनिक एसिड बी सिक्स को कहते हैं पायरोडोक्सीन क्या कहते हैं पायरोडोक्सीन कहते हैं बी सेवन को कहते हैं एच वाइटामिन या बायोटीन बी सेवन का केमिकल नेम होता है बायोटीन ठीक है इधर नहीं है ना जगह इधर लिखती हूँ बी एट नहीं होता है सीधा बी नाइन होता है और बी नाइन को कहते हैं फॉलिक एसिड फॉलिक एसिड या मैलिक एसिड

या बच्चा लिख लीजिए इसी को मैलिक एसिड भी कहा जाता है मैलिक एसिड मैलिक अम्ल भी कहा जाता है तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो गया ठीक है आइए अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन इज़ फाउंड इन इन अबंडेंस आमला आंवले के अंदर कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो मैंने बताया था आंवले के अंदर कौन सा विटामिन होता है आंवला खट्टा लगता है और खट्टो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होना चाहिए विटामिन सी होना चाहिए तो लिख लीजिए कि जो आमला है आमला के अंदर विटामिन सी ज्यादा पाया जाता में, संतरे में कच्चे नींबू में हरी मिर्च में हम केमिकली किस नाम से जानते हैं के के नाम, से, के नाम से भी जानते हैं और ये सब खाओगे तो आप में कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएंगे आपका घाव जल्दी भरेगा और अगर आप ये सब नहीं खा रहे हो मतलब विटामिन सी की कमी हो जा रही है तो एक बहुत फेमस बीमारी है जिसको स्कर्वी कहा जाता है स्कर्वी का मतलब होता है आपके घाव ना भरना घाव ना भरना घाव भरेगा नहीं ना भरना घाव आसानी से भरेगा नहीं आपके मसूड़े छिल जाएंगे आप ब्रश करोगे तो मसूड़ों से खून वून आने लग जाएगा जिसकी वजह से आपका घाव भरेगा नहीं क्योंकि विटामिन सी की कमी है तो इसी को कहा जाता है ठीक है ये बात याद रखिएगा तो विटामिन सी का अच्छा सोर्स होता है आंवला और अंगूर आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं विटामिन विटामिन हेल्प्स इन वुंड हीलिंग आ गया ना कौन सा घाव भरने में सहायक होता है तो थोड़ी देर पहले पढ़ाया विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है अच्छा सुनो अगर पूछे कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है तो विटामिन सी करके आ जाएंगे है ना लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कौन सा न्यूट्रिंट है जरा बताइएगा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो घाव भरने में सहायक होता है कौन सा पोषक तत्व है जो घाव भरेगा आंसर करो आंसर करो फटाक से हाँ जी जल्दी आंसर कीजिए जल्दी आंसर कीजिए नहीं बता पा रहा कोई भी सही नहीं बता पा रहा हां जी राम राम जी राम जी राम जी रा, राधा हम्म मिल गया विवेक कुमार ने सही आंसर दे दिया कुमार जी ने प्रोटीन प्रोटीन के बिना भी घाव नहीं भरेंगे पता है आपको अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो तो है सहायक होते हैं ठीक है तो अगर कौन सा न्यूट्रिएंट पूछे तो प्रोटीन होएगा कौन सा विटामिन पूछे तो विटामिन सी होगा विटामिन सी होगा ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्या कह रहा है बाईव अदर नेम इज विटामिन एच विटामिन एच जो होता है उसको और किस विटामिन के नाम से जानते हैं मैं आपको बता दूं कि जो विटामिन अच्छा पहले आप बताओ मैं क्यों बताऊं? पहले आप बताओ विटामिन कौन से विटामिन को हम एच विटामिन कहते हैं विटामिन बी सेवन को ही एच विटामिन कहा जाता है विटामिन बी सेवन को ही एच विटामिन और विटामिन बी बी सेवन नेम क्या हो गया Biotine हो गया तो दोनों ही तो ऑप्शन सही हैं तो आप लिख दोगे इनमें से दोनों ऑप्शन सही हैं तो विटामिन बी सेवन को ही एच विटामिन कहा जाता है या इसी को ही बायोटीन या इसी को ही एच विटामिन कहा जाता है और आप ऐसे भी याद कर सकते हो एच फॉर हेयर्स बालों के लिए अच्छा होता है विटामिन आप जानते हैं एच यहां एच का मीनिंग कुछ और है लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हो एच फॉर हेयर्स ये बालों के लिए अच्छा विटामिन होता है विटामिन बी सेवन और बी फाइव दोनों बालों के लिए अच्छे होते हैं

कमी से सूखा रोग हो जाता है और डी की कमी से कौन कौन सा तो सारे लिख लो याद कर लो ना सारे एक बारी में ये भी हो सकता है ऑप्शन में ये भी हो सकता है ऑप्शन में मलेशिया सेम नाम हिंदी में बाउलेक्स बाउलेक्स का मतलब होता है आपके जांग की हड्डियां मुड़ जाना इंद्रधनुष जैसी हो जाना हड्डियों में बैंड आ जाना मुड़ जाना ठीक है फीमर का मुड़ जाना और नोकनी घुटनों का आपस में टकराना नोकनी डिजीज घुटनों का आपस में टकराना जब इंसान दौड़ता है भागता है तो उसके घुटने आपस में टकराते हैं टकरा के गिर जाता है हड्डियां कमजोर होना दांत लेट से आना दांत कमजोर हो जाना ये सब विटामिन बी विटामिन डी की हड्डियों को मजबूत बनाता है तो भाई सबके सामने आंसर है मजबूत बनाता है अगर पूछा होता कि कौन सा मिनरल हड्डियों को मजबूत बनाता है कौन सा खनिज तत्व है जो आपके हड्डियों को मजबूत बनाता है तब आपका आंसर होता कैल्शियम कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है ठीक है और इसी के अवशोषण का काम कौन करता है विटामिन डी करता है और ये विटामिन डी हमारे बॉडी में नेचुरल तरीके से बनता है हमारी स्किन में बनता है हमारी त्वचा में भी बनता है ठीक है बहुत अच्छा लग रहा होगा पढ़ के आइए वेयर आर द वाइटामिन स्टोर्स इन द ह्यूमन बॉडी मानव के शरीर में विटामिन कहाँ स्टोर होते हैं थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं जैसे विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई विटामिन के ये हमारे शरीर में स्टोर हो सकते हैं और सबसे ज़्यादा किस ऑर्गन में स्टोर होते हैं तो हमारे लीवर में हमारे यकृत में लीवर को तो हम स्टोर हाउस कहते हैं हमारे बॉडी का जब भी कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो लीवर के अंदर ही स्टोर होती है है ना तो इसीलिए ठीक ऐसे ही अगर ये विटामिन ज़्यादा हैं तो ये भी हमारे बॉडी में लीवर में स्टोर हो सकते हैं ये चारों स्टोर हो सकते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा स्टोर होता है ये सबसे ज़्यादा होता है ये इसलिए एग्जाम में कभी कभी स्पेशली ए को मेंशन करके पूछ रहा पूछ रहा होता है ना तो विटामिन ए भी हो गया ठीक है चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन अरे भाई चलो नाइन विच वाइटामिन इज प्रोड्यूस्ड मोस्ट रैपिडली इन आर बॉडी मैंने बताया था ना हमारे बॉडी में तीन विटामिन बन सकते हैं लेकिन विटामिन डी सबसे ज्यादा बनता है और इसको बनाने में क्या चाहिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए जो हमारा शरीर खुद बनाता है जो हमारे बॉडी से खुद से प्रोड्यूस होता है कोलेस्ट्रॉल तो कोलेस्ट्रॉल जो है उसी से ही कुछ हार्मोन कुछ विटामिन जैसे विटामिन डी बनता है कहाँ बनता है ये विटामिन डी हमारी स्किन में बनता है हमारी त्वचा में बनता है लेकिन विटामिन डी यहाँ पर नहीं होता तो हम विटामिन के और विटामिन बी ट्वेल्व भी ऑप्शन सही कर सकते थे ये भी हमारे शरीर में बन सकते हैं इनडायरेक्टली कहाँ पर तो हमारी एल में एलाई का मतलब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी बड़ी आंत में तो अगर ये नहीं होता ऑप्शन में तो वो भी कुछ हो सकते थे और जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा यार जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हाँ, आ गया क्वेश्चन नंबर जिसने भी ज्यादा वसा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है बात तो आपने बराबर की की है लेकिन आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा नहीं है इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज कर जा रहे हैं है ना जल्दी से फटाक से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए डेढ़ घंटा हो चुका है अपनी क्लास को भी कितने बच्चों ने एक बार मैं देख लू क्या चल रहा है आपके कॉमेंट्स वॉमेंट्स में ठीक है सही चल रहा है बच्चे सही पढ़ रहे हैं, हैं कहोगे ब्यूटी मतलब सुंदरता बढ़ाने वाला आपकी स्किन को अच्छा रखने वाला तो कौन सा विटामिन विटामिन ई है ऑप्शन में हा क्यों कहते हैं क्योंकि ये हमारी स्किन के अंदर झुरिया आने से बचाता है स्किन को इसके के अंदर ग्लो रखता है चमक रखता है क्यों रखता है क्योंकि ये विटामिन इस विटामिन की एक प्रॉपर्टी होती है और कौन सी प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है प्रति ऑक्सी इसका एक गुण है जिसकी वजह से यह विटामिन हमारी स्किन को अच्छा रखता है इसीलिए हम इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं लेकिन बच्चों हल्के मतलब ना विटामिन सी को भी मैंने देखो अगर विटामिन ई ऑप्शन में ना हो और पूछ ले कौन सा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है जो आपकी स्किन के लिए अच्छा हो सकता है तब आपका विटामिन सी

और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास ठीक है चलो आइए जरा बात करते हैं छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन खत्म होगा तो मैं पढ़ा चुकी हूं छिली हुई सब्जियों को धोने से मेनली सी खत्म होता है लेकिन बी भी खत्म हो सकता है क्योंकि दोनों ही तो किस में घुलते हैं दोनों ही तो पानी में घुलनशील विटामिन है दोनों ही तो वाटर सोल्यूबल विटामिन है और एक चीज ये भी याद रख लेना अगर एग्जाम में पूछ लेना कि मानव के मूत्र में मानव के पेशाब में कौन सा विटामिन ज्यादा होते हैं तो ये हमारे यूरिन में भी होते हैं हमारे पेशाब में भी दो विटामिन ज्यादा होती हैं एक विटामिन बी और एक विटामिन सी ये दोनों ही हमारे पेशाब में ज्यादा होती है ठीक है बाकी ए और डी तो स्टोर भी होती है हमारे बॉडी में आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वाइटामिन इज फाउंड इन अबेंडेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में पाया जाएगा अब आप खुद देख लो किस किस के अंदर होगा मैंने कहा था ना हरी सब्जी और पीला हरा और पीला जो प्रोडक्ट है अब देखो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं तो होगा गाजर में होता है है ना और मूली में भी होगा क्योंकि मूली के ऊपर वाले पत्ते आपने देखा होगा हरे होते हैं तो इन तीनों के अंदर ही विटामिन ए पाया जाता है मतलब इन तीनों में ही कैरोटीन पाया जाता है है ना ठीक है क्योंकि मैंने समझाया ना कॉन्सेप्ट अगर किसी बच्चे ने लेट क्लास ज्वाइन किया है तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना मैंने पढ़ाया कि इन सब में बीटा कैरोटीन होता है और बीटा कैरोटीन की वजह से ही ये अच्छे सोर्स बनते हैं और एक क्वेश्चन अगर ऐसे भी पूछ लेना आपसे कि गोल्डन राइस में सुनहरे चावलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है तब भी कहना सुनहरे चावलों में बीटा कैरोटीन ज्यादा होता है इसलिए वो विटामिन ए का अच्छा सोर्स बनते हैं स्टार्टिंग से क्लास नहीं देखिए ना तो समझ में नहीं आएंगी ये चीजें स्टार्टिंग से क्लास देख लेना बाद में

लेपिया भी कहा जाता है ठीक है ये भी लिख लेना अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए निक्टोलैपिया ये भी किसको कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस को रतौंदी का ही दूसरा नाम होता है निक्टोलैपिया तो कुछ इस तरीके से भी आ जाए ना एग्जाम में तो कंफ्यूज नहीं करना है आपको कि ये कौन सा हो गया तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं ऐसा कुछ तो पढ़ाया ही नहीं ऐसा मत सोचना ठीक है इसके अलावा और बताओ विटामिन ए की कमी से क्या-क्या हो सकता है सारे लिख दें यहाँ पे ताकि आपको याद रह जाए विटामिन ई की कमी से जीरोफ्थैल्मिया भी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है मैम ियल जीरोसिस हो सकता है बिल्कुल हो सकता है क्रोनियल जीरोसिस भी हो सकता है आंखों में एलर्जी हो सकती है जीरोसिस और साथ में लिख लो हमारी आंखों के अंदर एलर्जी वगैरह भी हो सकती है इस विटामिन की कमी से ठीक है आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या कह रहा है इन विच विटामिन इज कोबाल्ट फाउंड किस विटामिन के अंदर कोबाल्ट सेंटर मेटल की तरह काम करता है ये पूछ रहा है है ना मैम सुगर होने पे घाव जल्दी से नहीं भरता है बिल्कुल सही बात है नहीं भरता है अब इसके लिए यहां थोड़ी पढ़ाऊंगी शुगर होने पर हाँ बताओ कौन सी विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है जो विटामिन बी बारह होता है उसको क्या कहा जाता है उसको सियानो कोबालमीन कहा जाता है सियानो कोबालमीन तो बताओ इसमें क्या है इसमें सेंटर में बीच में कौन सी धातु कौन सा मिनरल प्रेजेंट है कोबाल्ट और इसी की वजह से इस विटामिन का नाम पड़ता है ब्लू विटामिन इस विटामिन को हम नीला विटामिन भी कहते हैं तो अगर पूछ लिया ना ये कुछ होते नीला पीला विटामिन ये भी याद कर लेना कौन से विटामिन को ब्लू विटामिन या नीला विटामिन कहते हैं तो बताना हम कहते हैं सियानो कोबालमिन को सियानो कोबालमिन मतलब विटामिन बी ट्वेल्व को हम कहते हैं अपना ब्लू विटामिन या इसी में कोबाल्ट पाया जाता है और ये जो विटामिन है इसकी कमी से क्या हो सकता है इसकी कमी से एक तो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स होंगे नर्वस सिस्टम इम्बै मतलब आपका गड़बड़ा सकता है नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे तंत्रिका तंत्र की बीमारियां तंत्र प्रभावित हो जाएगा और उससे संबंधित बीमारियां मिलेंगी जैसे आपकी याददाश्त कमजोर होना जैसे कंफ्यूजन बढ़ना, ये सब, और इसके साथ साथ एक बीमारी और हो सकती है लकवा जैसा खतरनाक बीमारी भी इस विटामिन की कमी से हो सकता है पैरालिसिस इसके अलावा एक मैंने पढ़ा चुकी हूँ पहले ही परनीसियस अने कौन सा परनीसियस अनेमिया ये भी इसकी कमी से देखने को मिलेंगे तो ये हो गया आपका सियानो वजह से अगर पूछ ले किस विटामिन की कमी से नर्वस सिस्टम की बीमारियां हो सकती हैं या दस कमजोर होना कंफ्यूजन बढ़ना एंजाइटी ये सब आप बताएंगे विटामिन बी बारह लकवे जैसी खतरनाक बीमारियां भी विटामिन बी बारह की वजह से परनीसियस अनेमिया भी विटामिन बी बारह की वजह से होगा चले और इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है सेंटर स्किन एंड लिप्स आपके किस रेडनेस पड़ जाती है आपकी जीभ के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सेस में लाल हो जाती है और आपके होंठ ये अंदर वाले होंठ है ना और जीभ है उस पर ब्लिस्टर्स होना शुरू हो जाते हैं और ब्लिस्टर्स का मतलब होता है छाले पड़ जाते हैं क्या पड़ जाते हैं छाले पड़ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं विटामिन बी टू की वजह से विटामिन बी टू जो होता है ना जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स में अब डेयरी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है डेयरी पर क्या क्या मिलता है दूध दूर्र मिलता है दही मिलता है छाछ मिलता है पनीर मिलता है चीज़ मिलता है घी मिलता है इन सब में विटामिन बी टू ज़्यादा पाया जाता है और अगर विटामिन बी टू सही से नहीं खाओगे आप तो क्या क्या देखने को मिलेगा आपके होंठ फट सकते हैं आपकी जीप जो है उसके ऊपर ईचिंग सी होने लग जाएगी लाल बहुत ज़्यादा हो जाएगी जीप छाले पड़ जाएंगे मुंह में होंठ पे एडिया फटने लग जाएंगी स्किन में दरारें आने लग जाएंगी ये किसकी कमी से विटामिन बी टू की कमी से तो ये थे बच्चा आपकी आज की क्लास के फिफ्टीन क्वेश्चन अब फिफ्टीन ही क्यों हो पाए क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले आपको थ्योरी पढ़ाई इसलिए फिफ्टीन ही हो पाए अब इसके आगे के हम कल कवर करेंगे और विटामिन बी के बारे में भी पढ़ेंगे ठीक है इस के अलावा यारर सी ग्रुप डी का प्रैक्टिस बुक है बहुत सारे बच्चों ने मंगवा लिए इसमें फिफ्टी परसेंट ऑफ अभी भी कंटिन्यू है अगर आप इस पर लेना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन पे जाके फिफ्टी परसेंट इस बुक का प्राइस पे अभी ऑफ कर रखा है क्योंकि एग्जाम में एग्जाम से पढ़ लोगे लगा लोगे तो ठीक है ये ले सकते हो आप और साथ में पीडीएफ एस ये टेलीग्राम चैनल है इस पर मिल जाएगा मेरा आपको लेना है तो इसका पार्ट टू कल होगा विटामिन का और ये अंग्रेजी का पीपीटी खुल गया है ठीक है और इसके साथ में बता दूं इस संडे को अपना लाइव टेस्ट होना है उसको याद रखिएगा एक बार मैं लिख के ही बता दूं इस संडे को टाइमिंग भी नोट कर लेना टेस्ट नंबर ट्वेंटी थ्री संडे को मॉर्निंग में दस से बारह मॉर्निंग में दस से बारह आपका टेस्ट का टाइमिंग है दो घंटे का किससे टाइमिंग मतलब नाइनटी मिनट्स होगा लेकिन इस बीच में आप कभी भी दे सकते हो रिजल्ट इसका आ जाएगा वन पी पे रिजल्ट आ जाएगा और किसके लिए होना है आर ग्रुप डी के लिए नेक्स्ट एस एस के लिए होगा हर संडे होते हैं हमारी एप्लीकेशन पे कैसे देना है फ्यूचर टाइम्स कोचिंग रजिस्ट्रेशन कर लेना फिर बंद हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन ठीक है फ्यूचर टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो कर लिया उसमें जाना है आपको टेस्ट सीरीज के कॉलम में किस में जाना है टेस्ट सीरीज के कॉलम में और जैसे ही टेस्ट सीरीज के कॉलम में गया गए तो वहां पर आपको लाइव टेस्ट का राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिखेगा उसमें जाके अभी से रजिस्ट्रेशन कर लो क्योंकि दस हजार ही रजिस्ट्रेशन लेता है एक बारी में है ना एक बारी में दस हजार रजिस्ट्रेशन लेगा तो आप दस हजार में आना चाहते हो तो इसको तुरंत जाके लाइव टेस्ट देने की कोशिश करना कोशिश क्या देना ही है ये देना ही है ठीक है और बाकी मैं एक वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी कैसे देना है लाइव टेस्ट ये हो गया आपका पीपीटी मैं इसको सेव कर लेती हूँ मिलते हैं आपसे कल की क्लास में कल नौ बजे आ जाइएगा और क्लास कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके बताइएगा मुझे क्लास कैसी लगी है ना क्लास कैसी लगी उसके लिए मैं आपका इंतज़ार करूंगी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा शेयर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कल का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए अदरवाइज़ आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो बाकी आपसे कल मिलते हैं और बता दीजिएगा क्लास कैसी लगी प्लीज़ वीडियो के नीचे बताना ना भूलें कल विटामिन खत्म करवा दूंगी विटामिन से बनने वाले सारे क्वेश्चन कल करवा दूंगी उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका विटामिन से चलिए फिर आज के लिए इतना बहुत है कल मिलते हैं आपसे थैंक यू